हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास वीवो T3 5G फ़ोन, और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग वीवो T3 5G फ़ोन के अंदर आप लोग कैमरा फोटो वाटरमार्क सेटिंग को किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से आप कैमरा फोटो वाटरमार्क की जगह आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, और किस तरीके से आप लोग कैमरा फोटो वाटरमार्क में डेट एंड टाइम एंड लोकेशन किस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हो। कैमरा फोटो वाटरमार्क सेटिंग की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पे कैमरा फोटो वाटरमार्क सेटिंग करने के लिए सिंपली से क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली अपने फ़ोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपका पे सिंपली से क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली से यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा एप्लीकेशन करने के बाद ऊपर आपका सेटिंग का आइकन मिल जाएगा। सिंपली से आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग सेटिंग के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक मोर सेटिंग का ऑप्शन है, वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपली मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके अपने फ़ोन की कैमरा सेटिंग की तरफ। आपके फ़ोन की जितनी भी कैमरा सेटिंग है वो सारी कैमरा सेटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है वाटरमार्क का। सिंपली से आपको वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको नीचे तीन ऑप्शन मिलेंगे, फोन मॉडल नंबर एंड डेट एंड टाइम एंड करंट लोकेशन एंड कस्टमाइज। अगर आप फोन मॉडल वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो तो फोटो वाटरमार्क में आपका फोन का मॉडल लिख के आएगा। अगर आप डेट एंड टाइम की सेटिंग को ऑन कर देते हो तो वाटरमार्क की साइड में आपका डेट एंड टाइम दिख के आएगा। एंड अगर करंट लोकेशन की सेटिंग ऑन कर देते हो तो आपके जहाँ पे आप फोटो क्लिक कर रहे हो वो की करंट लोकेशन आएगी। एंड अगर आप कस्टमाइज एंड कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ पे जो लिखना चाह रहे हो फोटो वाटरमार्क के वो लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाह रहे हो तो आप अपना नाम लिख के सेव कर दो। उसके बाद आप जब भी फोटो क्लिक करोगे तो फोटो वाटरमार्क की जगह आप लोगों का नाम यहाँ पे लिख के आएगा। तो आप कर सकते हो।